में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे हेल्दी पोहा डोसा। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसमें कई तरह की सब्जियां भी डाली जाती है। कुल मिलाकर यह बहुत ही हेल्दी हो जाता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या बच्चे के लंच में भी बना सकते हैं। बच्चे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और इसी बहाने सब्जी भी खा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। फिर देर न करते हुए चलते हैं कविता की रसोई में और बनाना शुरू करते हैं हेल्दी पोहा डोसा। हेल्दी पोहा डोसा बनाने के लिए मैंने एक कप पोहा लिया है। इसको और हेल्दी बनाने के लिए 4 चम्मच ओट्स लिया है और क्रिस्पी और बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच सूजी लिया है, 1/2 कप दही है, 1 पिंच खाने वाला सोडा है, थोड़ा सा नींबू का रस है, 1 चम्मच नमक है, बारीक कटा हुआ धनिया है पत्ता है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, 5-7 करी लीव्स है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स है, 2 चम्मच शिमला मिर्च बारीक चॉप किया हुआ है, 2 चम्मच गाजर इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, 2 चम्मच प्याज इसको भी बारीक चॉप कर लिया है, 2 हरा मिर्च को काट लिया है। और पोहा को एक छलनी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भिगा कर धो लेंगे। देखिए इस तरह से इसको मलमल के इसे धो लेंगे और इसको स्ट्रेनर में छोड़ के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा पोहा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पोहा सोख हो चुका है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें पोहा को डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे फिर सूजी, ओट्स और दही। अब सभी को ग्राइंड कर लेंगे, बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, अब इसको एक बोल में डाल देंगे। अब इसमें बाकी का चीज है उसको भी इसमें मिला देंगे। नमक थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं बचा ले रही हूँ। नमक आप अपनी स्वादानुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो साधारण मिर्च भी आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिल चुका है, थोड़ा गाढ़ा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया है। अब इसको और फ्लफी बनाने के लिए 1 पिंच सोडा डाल देंगे, खाने वाला मीठा सोडा। और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस पर, थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे, इससे बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। देखिए बुलबुला बनने लगा। अब इसको इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे, इसको ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, अब तुरंत इसको बना लेंगे। पैन को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसको तेल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ, थोड़ा ही सा इसमें तेल लगता है इसलिए हेल्दी भी होता है। अब इसको गर्म होने देंगे, थोड़ा सा और गर्म होगा। अब यह गर्म हो चुका है, अब इसमें बैटर को डालेंगे। इसको ऐसे ऐसे 1.5 चम्मच डाल रहे हैं और इसको ऐसे ऐसे फैला देंगे। अब इसको लीड से ढककर 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो चुका है, लीड को हटा देते हैं। अब लीड इसमें नहीं लगाएंगे, किनारे किनारे थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, किनारे से हल्का सा। अब इसको थोड़ा सा किनारे से देखते हैं कि हुआ कि नहीं, अभी और होगा, थोड़ा देर और होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। गैस को लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसको देखते हैं हुआ कि नहीं। अब यह हो चुका है, अब इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और इसके थोड़ा सा तेल फिर इधर से भी डाल देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर इसको सिकने के लिए छोड़ देंगे, लिड नहीं लगाएंगे। अब यह दूसरी तरह से भी अच्छी तरह से सिक चुका है। इसको बनाने में 8 मिनट का समय लगा है। अब इसको निकाल के रख लेते हैं प्लेट में। अब इसी तरह और भी बाकी के जो पोहा डोसा है बना लेंगे।
फ्रेंड्स, कितना अच्छा टेस्टी हेल्दी पोहा डोसा बन के तैयार हुआ है। आप इसे बस बनाइए, यह बहुत ही हेल्दी है। इसे आप सुबह के नाश्ता में बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चा इसी बहाने सब्जी भी खा लेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। तो आप इसे बस बनाइए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।